हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट निकालते हैं और किस तरीके से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना बेटा, इस डेल ऑपरेटर के बारे में जानो कि ये क्या चीज़ है। इसे लर्न कर लोगे तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो देखो, डेल ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये जो ट्राइंगल मैंने बना रखा है, और दिस इज आई डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर है, तो किसी चीज़ पर लगाना है, किसी फंक्शन पे लगाएंगे और तब ऑपरेट करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही डेल बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और डेल बाय डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये वेक्टर बना लिया। अब बेटा, ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे भी लगाया जा सकता है और किसी वेक्टर फंक्शन पे भी लगाया जा सकता है। अगर हम किसी स्केलर फंक्शन पे लगा देंगे डेल ऑपरेटर तो हमारा बन जाएगा ग्रेडियंट, और अगर वेक्टर फंक्शन पे लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें देखिए आप कि डेल ऑपरेटर को अगर आपने लर्न कर लिया तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना है कि कोई भी स्केलर फंक्शन सपोज आपको दिया हुआ है, लेट एफ बी यानी स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एफ जो है एक्स वाई जेड फॉर्म का हो, मतलब देखो वेक्टर फंक्शन होगा तो आई जे के उसके साथ होंगे। ठीक है, फंक्शन के पास आई जे के जरूर होंगे, बट अगर वो स्केलर फंक्शन है तो इट विल बी एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो जैसे ये आ जाए जेड क्यूब, ऐसे करके कोई भी फंक्शन होगा उसमें आई जे के नहीं है बट ओनली एक्स वाई जेड की फॉर्म का फंक्शन है। तो अगर आपको कोई भी एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है और एंड इट पोजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट, देन द ग्रेडियंट इज गिवन बाय, देखो एक तो ग्रेडियंट एफ को हम ऐसे लिख देंगे ग्रेड एफ करके, या फिर ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल और फिर एफ, जिस भी फंक्शन का निकालना है। तो ये मिलेगा कैसे, देखो डेल एफ, डेल एफ का क्या मतलब हुआ, आपने डेल ऑपरेटर किसके ऊपर लगाया, सॉरी एक बार, डेल ऑपरेटर किसके ऊपर लगाया आपने, एफ के ऊपर लगाया, राइट। तो देखो, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये था ना मेरा, इसको किसके ऊपर लगाना है, एफ के ऊपर लगाना है। तो ये एफ जब अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा, आई डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड, जो कि ये लिखी हुई एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दिस इज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, मतलब एफ के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, एक्स वाले को आई से, वाई वाले को जे से और जेड वाले को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो ग्रेडियंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो देख लीजिए। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन। देखो, हमने ग्रेडियंट निकाला किसका था, एफ का, जो कि क्या था, स्केलर फंक्शन था, मतलब एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो की फॉर्म का कोई भी फंक्शन था। ठीक है, उसके पास आई जी के नहीं थे, बट जब मैं इसका आंसर निकालूंगी, ग्रेडियंट पूरा निकाल लूंगी, तो मेरा आंसर आई जे के की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर जो आता है ग्रेडियंट का, वो वेक्टर की फॉर्म में आता है। मतलब क्वेश्चन स्केलर फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, ग्रेडियंट निकाल देंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, वेक्टर फंक्शन। ठीक है बच्चों, ग्रेडियंट एफ इज अ वेक्टर नॉर्मल टू दी सर्फेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो बेटा, जैसे आपका कोई भी एक सर्फेस दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड, क्योंकि आप ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का ही निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बना उसके लिए किसी भी पॉइंट पे, सपोज कर लो मैंने यहाँ बनाया एक टेंजेंट प्लेन, राइट, तो ये तो हो गया टेंजेंट प्लेन, क्लियर। अब ये ग्रेडियंट कहाँ होगा, इट इज ऑलवेज अलॉन्ग दी नॉर्मल। ठीक है, तो जो भी सरफेस होगा उसके नॉर्मल के अलोंग एक्ट करता है ग्रेडियंट एफ, हमेशा याद रखिए ग्रेडियंट एफ एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल, और ये क्या देता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ, क्योंकि डेल्टा है ना, आपको पता है डेरिवेटिव हमेशा रेट ऑफ चेंज बताता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस जो भी आपको एफ दिया हुआ है दैट इज अलोंग द नॉर्मल, क्योंकि एक्ट अलोंग द नॉर्मल कर रहा है तो अलोंग द नॉर्मल बताएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेडियंट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो आप बोलेंगे कि ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और मिनिमम रेट ऑफ चेंज देता है। ठीक है, या स्टीपेस्ट इंक्रीज और स्टीपेस्ट डिक्रीज, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या फिर क्या दे देगा, मिनिमम रेट ऑफ चेंज, क्लियर, ये बात याद रखनी है। और डेल्टा आ गया था आपके पास, तो याद रख लेना डेल्टा आ जाने से रेट ऑफ चेंज वर्ड बन गया। अब डेल्टा एफ आपको क्या दे रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और मिनिमम रेट ऑफ चेंज दे रहा है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है आपको, क्योंकि ये एक्ट से अलोंग दी नॉर्मल निकाल रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, तो देखो इसका जो मॉड मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा कि कितना चेंज आया, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, तो क्या निकालोगे, डेल्टा एफ नॉट
और फिर उसका मॉड्यूलस। देखो डेल्टा एफ आपको समझ आया कैसे निकालना है, ग्रेडियंट एफ जैसे फॉर्मूला बताया उससे निकालेंगे, उसको जिस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना हो ना, पी नॉट पॉइंट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, वो वैल्यूज डाल दोगे एक्स वाई जेड की, तो जो निकलेगा वो डेल्टा एफ नॉट हो जाएगा। और उसका फिर आप क्या ले लेंगे, जैसे वैक्टर का मॉड लेते हैं हम, उसका वो निकाल देंगे, ठीक है। एंड एकर्स वेन द यूनिट वैक्टर यू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एफ नॉट, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा अगर मिनिमम रेट ऑफ चेंज निकालना हो, ऊपर निकाला है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अगर मिनिमम रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो क्या निकाल देंगे, माइनस ऑफ डेल्टा एफ नॉट, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो दोनों के दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और मिनिमम रेट ऑफ चेंज। तो बेटा कभी भी क्वेश्चन में वर्ड दिखाई दे फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज या मिनिमम रेट ऑफ चेंज, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन डायरेक्शन इसका है, ग्रेडियंट का है, आपको ये फिगर निकालनी है, डेल्टा एफ नॉट मॉड इट्स का या फिर माइनस डेल्टा एफ नॉट मॉड, डिपेंडिंग ऑन कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके लिए कई बार वर्ड स्टीपेस्ट इंक्रीज और स्टीपेस्ट डिक्रीज भी यूज हो जाता है, ठीक है। ये भी निकालना, ये भी वर्ड यूज हो जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की जगह पे, स्टीपेस्ट इंक्रीज और स्टीपेस्ट डिक्रीज, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट डेल्टा आर एन इज दिस वेयर आर इज दिस। तो देखो बेटा पहले तो इनका निकाल लेते हैं, हमें किसका ग्रेडियंट निकालना है। देखो आर क्वेश्चन में गिवन है ये वेक्टर, स्मॉल आर क्या चीज़ होती है बेटा ये याद कर लेना, स्मॉल आर इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर होता है वेक्टर के अंदर, ठीक है, उसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया बेटा आर बन गया, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, आर की पावर एन चाहिए, तो इसकी पावर एन रेज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट है तो 1/2, एन से मल्टीप्लाई किया तो एन बाय टू। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, डेल्टा आर एन, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा फॉर्मूला क्या बना, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर एन, चलो आर आर एन को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाय टू, ये हो जाएगा प्लस जे डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर एन, ठीक है ना, जो भी आपका आर एन है उसका जे एथ कंपोनेंट ये होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर एन, ठीक है, ये सॉरी वाई आएगा, यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो करो इसको डिफरेंशिएट, देखो आई पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है आपको, तो एन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बाय टू माइनस वन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बेटा वाई और जेड कॉन्स्टेंट है तो आ जाएगा टू एक्स, ठीक है बच्चे। फिर देखो जे एन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बाय टू माइनस वन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो टू वाई, ठीक है। फिर के एन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बाय टू माइनस वन और टू जेड, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, राइट। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बाय टू माइनस वन, हमने इन सारों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है बच्चों। अब ये क्या चीज़ है बेटा मेरी, देखो ये आर की ही डेफिनेशन है तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या एन मेरा रह गया बेटा, एन भी आएगा इन सब के साथ, तो ये n है और ये क्या बनेगा बेटा मेरा, r n माइनस टू है ये मेरे पास, क्यों, क्योंकि देखो r इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन माइनस टू बाय टू लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन बाय टू अंदर कर लिया, n माइनस टू बाहर कर दिया, ये अंदर वाला क्या है r, तो ये आ गया आर एन माइनस टू, तो ठीक है मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया आर एन माइनस टू, ठीक है बच्चों। तो इस तो यही हमें प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा हैंस प्रूफ्ड, ठीक। तो सिंपल डेरिवेटिव निकाला बेटा आप लोगों ने, क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू टू आर की पावर फोर आर, फाइंड यू। तो देखो बेटा कैसे निकलेगा, देखिए R मुझे हम पता है कि क्या होता है मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्स जेड के, बेटा ये यूजुअल नोटेशंस हैं इनको याद कर लेना। R क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर वन बाय टू, ठीक है ना, यही गिवन होता है मुझे यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए,
डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा यू क्या होगा, 2r की पावर 4 इंटू आर वैक्टर। तो 2r की पावर 4 करी तो क्या बन गया, x² + y² + z² 1/2 की पावर 4, यही हो गया, इंटू आर वैक्टर, यही आएगा। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये स्क्वायर बन गया ना, x² + y² + z² का स्क्वायर बन गया, xi + yj + zk। ठीक है, अब डेल यू क्या चीज़ होगी बेटा, आई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल यू बाय डेल जेड, यही होगा, क्योंकि डेल्टा एफ होता है तो एफ डल जाता है, अब के है तो के डल गया, सॉरी यू है तो सॉरी यू डल गया। दिस इज इक्वल टू दिस होल, इसको भी थोड़ा खोल के लिख लेते हैं हम, ये तो एक्स कंपोनेंट आ गया, फिर वाई कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा, ठीक, 2zx² + y² + z²² इंटू के। अब क्या करो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो जब आपने कंपेयर किया तो एक्स कोफिशिएंट को एक्स के साथ कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा 2x x² + y² + z² का स्क्वायर। ऐसे ही डेल यू बाय डेल वाई क्या आ जाएगा बेटा, 2y x² + y² + z² का होल स्क्वायर, एंड डेल यू बाय डेल जेड क्या आ जाएगा, 2zx² + y² + z² होल स्क्वायर। राइट, क्लियर। अब देखो मुझे क्या निकालना है, यू, तो मैंने टोटल डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया, डी यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इंटू डी जेड। वैल्यू डाल दो बेटा, इसकी वैल्यू आई है 2x x² + y² + z² होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, प्लस 2y x² + y² + z² होल स्क्वायर डी वाई प्लस 2z x² + y² + z² होल स्क्वायर इंटू डी सेट। ठीक है बेटे, अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको मैंने कॉमन निकाला, ठीक, अंदर आ जाएगा x dx + y dy + z dz। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब देखो क्या, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x² + y² + z² को t मान लो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x dx + 2y dy + 2z dz = dt आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक, इसको इसमें डाल दो, पुट इन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, du = 2x² + y² + z² तो t², अब ये आ जाएगा dt/2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट गया, अब डी यू आ गया आपके पास t² dt, तो u क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, यही करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करके t³/3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब t³ क्या हो गया, t आपने किसको माना था, x² + y² + z² को माना था, तो इसका क्यूब हो गया प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो u क्या आ गया बेटा आपके पास, 1/3, अगर आप r की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x² + y² + z² आपका क्या होता है, r, ये क्या बन जाएगा, r हाफ हो गया ना, तो r 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो अगर u को r की फॉर्म में छोड़ना होगा तो आप इस तरीके से छोड़ दोगे, वेयर c इज द कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही लिख लो। ठीक, तो ऐसे हमने u निकाल लिया। और देखो बेटा क्वेश्चन, आपको u v और w दिए हुए हैं, आपको प्रूफ करना है ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कैसे बनते हैं बेटा, इसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। वी शो दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w इज 0 टू शो दैट दे आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर के लिए याद है सबको, वेक्टर के अंदर कोई भी 3 वेक्टर दे रखे हो तो उनको कोप्लेनर शो करना, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 शो कर दो।
तो पहले बेटा ग्रेडियंट यू निकालते हैं, तो ग्रेडियंट यू क्या होगा, आई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल यू बाय डेल जेड। अगर कोई बच्चा इतनी बड़ी याद नहीं करना चाहता तो ऐसे भी बोल सकते हो, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है यू को, तो क्या आ जाएगा, विद एक्स का करेंगे तो आई प्लस जे प्लस के, क्योंकि यू क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ग्रेडियंट वी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वी बाय डेल वाई प्लस के डेल वी बाय डेल जेड। तो वी क्या चीज़ है हमारी क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है ना बेटा। तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स, डेल वी बाय डेल वाई है मेरा टू वाई, और डेल वी बाय डेल जेड क्या है, टू जेड। तो वैल्यू डाल दी बेटा, टू एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस टू जेड के, ठीक। अब निकालना है ग्रेडियंट W, तो फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू एक्स आई प्लस डब्ल्यू वाई जे प्लस डब्ल्यू जेड के, और चाहें तो आई डेल जेड वाई डेल एक्स करके जैसे भी लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो W क्या है मेरा, देख लेते हैं, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो W को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आ गया जेड प्लस वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो बेटा आ जाएगा जेड प्लस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो वाई प्लस एक्स। डाल दीजिए वैल्यू इधर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ये आ जाएगा जेड प्लस वाई इंटू आई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जे प्लस एक्स प्लस वाई इंटू के, ठीक है। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, नोटेशन यही होती है, ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी, ग्रेडियंट डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, आई जे के, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो इनका, ठीक है। तो सॉरी एक्स वाई जेड, ग्रेडियंट यू के कंपोनेंट्स आए थे 1 1 1, ठीक है, ग्रेडियंट वी के कंपोनेंट्स आए हैं 2x 2y 2z, और ग्रेडियंट इसके कंपोनेंट्स आए हैं जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चाहो तो कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, और चाहो तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो। तो देखो टू पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन, ठीक। अब प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, आर टू और आर थ्री को ऐड कर लेते हैं, देखो आर टू और आर थ्री को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब तो ये प्रॉपर्टी क्या बन गई, 1 1 1 जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, दो रोज सेम आ गई तो 0, बिकॉज आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल। अगर दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट में तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब कोप्लेनर है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोप्लेनर का शो हो जाएगा। और देखो बेटा क्वेश्चंस, द ग्रेडियंट फॉर्मूला फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो ग्रेडियंट किस काम आ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के काम आ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो तो दो चीज़ें जरूर चाहिए, किस पॉइंट पर है निकालना आपको और कौन सी डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा, डी मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ का निकाल रही हूँ तो मैं लिख दूंगी एफ डी एफ, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। अगर आप एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और डायरेक्शन यू होगी तो हम लिख देंगे इन द डायरेक्शन यू। तो यू सबस्क्रिप्ट में बताता है कौन सी डायरेक्शन है, जिस सरफेस का निकालना है आपको या जिस फंक्शन का निकालना है उसको लिखेंगे, और जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसका फॉर्मूला याद रख लो बेटा, डेल्टा एफ नॉट इंटू यू। अब ये डेल्टा एफ नॉट क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। डेल्टा एफ मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ, नॉट लगा दिया तो एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट को एक्स नॉट वाई नॉट माना हुआ है। और ये यू क्या है, ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है जिसके अंदर हमने निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर यू। क्वेश्चन देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
नॉर्मल टू दी सरफेस, एक तो ये भी याद रखिए कभी नॉर्मल निकालना है आपको तो नॉर्मल इज गिवन बाय डेल्टा एफ, ठीक है, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एफ अपॉन उसका मॉडुलस, ठीक है, मॉड सिंगल उससे शो कर लो ब्रैकेट से, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। कभी भी निकालना हो तो आप ग्रेडियंट की हेल्प से नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखिए बेटे, ये वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर में बहुत जगह पे आप नॉर्मल निकालेंगे जब सरफेस इंटीग्रल्स करेंगे, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए कि जब भी नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो ग्रेडियंट की हेल्प लेनी है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय डेल्टा एफ अपॉन दिस, डेल्टा एफ इज ग्रेडियंट, क्लियर। तो देखो डेल्टा एफ का मतलब हुआ ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसका क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है, वेयर सरफेस क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो पहले एफ एक्स निकाल लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगी तो क्या आएगा मेरा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे तो एक्स वाई क्यूब एज इट इज रह जाएगा, जेड स्क्वायर का टू जेड आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा एफ आ गया वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर जे प्लस एफ जेड है बेटा मेरा टू एक्स वाई क्यूब जेड के, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब मुझे चाहिए डेल्टा एफ नॉट, सॉरी डेल्टा एफ है, अगर मुझे पॉइंट दे रखा है तो डेल्टा एफ नॉट अपॉन दिस वन, तो डेल्टा एफ नॉट क्या हो जाएगा मेरा, किसी पॉइंट पे निकालना है आपको तो इसमें हम क्या डालेंगे, पॉइंट हमारे को दे रखा है माइनस वन टू, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन और जेड इक्वल टू टू, तो हमने डाला तो वाई को माइनस वन डाला तो माइनस साइन आ गया, जेड को स्क्वायर किया तो टू टू जो फोर, ठीक है, अब वाई का स्क्वायर किया तो वन आ गया, एक्स माइनस वन तो टू टू ज़ा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व जे, ठीक है, और क्या आ जाएगा ये फोर के, क्लियर। तो ये डेल्टा एफ नॉट आ गया, अब मुझे क्या चाहिए इसका बेटा, डेल्टा एफ नॉट का मॉड चाहिए, तो क्या होगा बेटा ये माइनस फोर का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, क्लियर। तो ये वेक्टर आ जाएगा मेरा फोर फोर ज़ा सिक्स, जो भी आएगा बेटा सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब मेरा ये किसके बराबर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एफ एट जो भी पॉइंट आपको दे रखा था माइनस वन टू इज गिवन बाय डेल्टा एफ नॉट अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा एफ नॉट, तो ये आ जाएगा माइनस फोर आई माइनस ट्वेल्व से प्लस फोर के अपॉन जो भी ये वैल्यू आ रही है बेटा, ये लिख लो 16 प्लस 144 प्लस 16, सॉल्व कर लेना बेटा, जो आंसर आएगा वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज आई प्लस थ्री जे माइनस के अपॉन रूट इलेवन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये यूनिट वेक्टर बेटा याद रखना है, कभी भी निकालना हो सरफेस पे तो डेल्टा एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा एफ है, और अगर पॉइंट दे रखा हो तो पॉइंट भी डाल दीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखो डेरिवेटिव मांगा और वर्ड आ गया डायरेक्शन, तो क्या वर्ड बन गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालना है बेटा मेरे को, ऑफ एफ एट कौन सा पॉइंट है मेरा, टू माइनस वन वन, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, ये देखो आई प्लस टू जे प्लस टू के। तो फॉर्मूला क्या कराया मैंने आपको, डी यू एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट का फॉर्मूला क्या बताया, डेल एफ नॉट इंटू यू, तो सिंपल आपको डेल एफ नॉट इंटू यू वैक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले एफ डेल्टा एफ निकालें, तो डेल्टा एफ का फॉर्मूला एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, वेयर एफ एक्स क्या गिवन है बेटा आपको, ये देखो एक्स सॉरी एफ क्या गिवन है, एफ इज एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब
एफ ऑफ वाई निकालोगे तो आ जाएगा 3xy² प्लस जेड क्यूब, एफ ऑफ जेड निकालोगे तो जेड क्यूब का 3z² y, तो ये क्या आ जाएगा वाई क्यूब आई प्लस 3xy² प्लस जेड क्यूब जे प्लस 3z² y इंटू के। ठीक है, अब डेल्टा एफ नॉट चाहिए आपको तो इसको एट दी पॉइंट निकाल दो। ठीक है, तो ये वाई क्यूब आई प्लस 3xy² प्लस जेड क्यूब इंटू जे प्लस 3z² y इंटू के को किस पॉइंट पे निकाल देंगे हम, 2 माइनस 1 1। इसका क्या मतलब है, x को 2 डालोगे, y को -1 और z को 1 डालोगे। ठीक है बेटा, तो u वेक्टर, तो u वेक्टर क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो u वेक्टर पहले तो देख लो कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 9, तो ये आ गया 3। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, यू अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये यू वेक्टर आ गया। अब मेरा डी यू एफ क्या आ जाएगा बेटा निकल कर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल्टा एफ नॉट इंटू यू, तो डेल्टा एफ नॉट आ गया माइनस आई प्लस 7j माइनस 3k इंटू यू वेक्टर, तो आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, तो इसका सॉल्व कर देना, ये कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस 6 अपॉन 3। ठीक, 7 7 7 अपॉन 3, तो 7/3 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू। आपको खुद लिखा हुआ है वह डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी यू एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एफ नॉट इंटू यू। तो पहले एफ, डेल्टा एफ निकाल लें, तो डेल्टा एफ क्या होगा बेटा मेरा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा -2y, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 4z इंटू के। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या आ जाएगा, ये तो डेल्टा एफ आ गया। ठीक है, अब मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के ऊपर डेल्टा एफ नॉट निकालना है, तो हमने डाल दिया पुट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3, क्योंकि पॉइंट दे रखा है 1 2 3। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है तो इसकी वैल्यू डालिए तो 2y माइनस 4j प्लस 4 3 ज़ा 12 k। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 4j प्लस 12 k, डेल्टा एफ नॉट u आ गया, डेल्टा एफ नॉट आ गया। अब u चाहिए, उसने कहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू, वेयर क्यू इज दिस पॉइंट, तो पहले मुझे पी क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू क्या होता है बेटा, पोजिशन वैक्टर की फॉर्म में ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा मेरा 5y प्लस 0j प्लस 4k, क्योंकि 504 पॉइंट है, माइनस ओ पी, पॉइंट क्या दे रखा है पी वाला 1 2 3, तो i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे ही निकालते हैं पोजिशन वैक्टर से, तो माइनस कर लो बेटा इसको, तो 5y माइनस i 4i, 0 है तो माइनस 2j 4 माइनस 3k, तो ये तो निकल आया मेरा पी क्यू वैक्टर 4i माइनस 2j प्लस k। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो इसी का यूनिट वेक्टर बनाऊं मैं। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू वैक्टर है बेटा मेरा 4i माइनस 2j प्लस k, इसका नीचे वो ले लोगे 4² प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस के, तो 16 प्लस 4 प्लस 1 4 और एक 5, तो ये हो जाएगा √21। ठीक है, तो 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन √21। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डी यू ऑफ एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ नॉट इंटू यू वैक्टर, तो ये मेरा अब यू वैक्टर ही निकल कर आया है। ठीक है, यूनिट वैक्टर इंटू इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। तो डेल्टा एफ नॉट कितना है मेरा, 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j प्लस 12k, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, u वेक्टर से, 4i माइनस 2j प्लस k अपॉन √21।
क्लियर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 4 8। डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हैं बेटा, आई वाला आई से, जे वाला जे से, ठीक है, और के वाला के से, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन, ये प्लस हो जाएगा 8 और 8 16 28, ठीक है, तो 28 अपॉन रूट 21। तो ये तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। एक चीज़ और मांगी है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है आपका? तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता था उसका मैग्नीट्यूड? डेल्टा एफ नॉट, ठीक है, और अगर मिनिमम पूछता तो माइनस ऑफ डेल्टा एफ नॉट, ठीक है। तो डेल्टा एफ नॉट आया था मेरा 2i-4j+12k, ठीक है, इसका आप मॉड ले लें तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो 2 2 4 4 4 16, 12 12 144, तो ये कितना आ जाएगा बेटा इसको करके 164, राइट। तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर मिनिमम पूछते तो नेगेटिव का साइन लगा देते, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। और देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन दिस। देखो बेटा सब कुछ सेम है, फंक्शन आपको दे रखा है तो डेल्टा एफ निकाल सकते हो, पॉइंट दे रखा है तो डेल्टा एफ नॉट भी निकाल सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन बस आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे दी है आपको, ठीक है। तो ये देखो इससे बस नई चीज आपको क्या याद रखनी है, नई भी क्या है आपने कर रखा है, ये है एक तरीके से आपके पास लाइन की इक्वेशन। इसमें आपको पता है डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी नॉर्मल होते हैं, तो आपकी जो डायरेक्शन यू वेक्टर जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, यू वेक्टर इसके अंदर 2i-2j+0k, ठीक, सॉरी 1 आएगा, ठीक है ना, प्लस के हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इज आपको पता है कि u अपॉन मॉड ऑफ u, ठीक है, तो 2i-2j+k अपॉन इसका मॉड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2i-2j+k, 4 4 8+1 9, जिसका 3 आ जाएगा। बस ये u वेक्टर डालना है आपको क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। देखो डेल्टा f निकालोगे तो कैसे आएगा, fxi+fyj+fzk, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे डिफ्रेंसिएशन तो बेटा क्या आएगा इसका, 5 2 10xy, ठीक है, विद रिस, और साथ में ये भी आएगा 5/2 × z² एक्स की जगह आ गया 1, ठीक है, 10xy, ठीक निकाला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 5x² - 5 2 10yz, बस जे प्लस, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, -5y² z का 1 +5/2 × 2z, तो 5z हो जाएगा × x, ये आ जाएगा k, ठीक है। अब इसको निकालना है डेल्टा एफ नॉट, तो एट द पॉइंट गिवन है 1 1 और 1, तो डाल दीजिए 1 1 वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 + 5/2 i, ठीक है, प्लस 5 - 10j +-5 + 5 k वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2 10 20 + 25/2, ठीक है, तो 12.5 भी लिख सकते हो, प्लस -5j - 5j + 0k, ये डेल्टा एफ नॉट आ गया। तो बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डी यू एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ नॉट इंटू यू, तो 12.5i-5j+0k इंटू यू वैक्टर, यू वैक्टर आया था मेरा 2i-2j+k/3, तो ये सॉल्व कर लेना बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपका 11 2/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है, 3 11 33 35/3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस दिस एट द पॉइंट दिस। तो एंगल बिटवीन द सर्फेस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स निकाल देंगे, ठीक है, एंगल बिटवीन द सर्फेसेस मीन्स वी फाइंड एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है, देयर नॉर्मल्स। तो पहले नॉर्मल निकाल लें इनका, नॉर्मल कहाँ पे, नॉर्मल के लिए आपको पता है जब भी नॉर्मल निकालना है तो ग्रेडियंट की हेल्प लेनी है। तो मेरा पहला सरफेस है बेटा f1=x²+y²+z²-9=0, ये मैंने फर्स्ट सरफेस मान लिया, और f2 मान लिया मैंने x² प्लस सॉरी z है,
एक्स को, चलो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस जेड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो पहले डेल्टा एफ वन निकाल लें, तो डेल्टा एफ वन इज़ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो यहाँ पे एफ जो है एफ वन ही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस टू जेड के। ठीक है, तो ये डेल्टा एफ आ गया। इसको डेल्टा एफ वन को किस पे कैलकुलेट करो, टू माइनस वन और टू पॉइंट पे, क्योंकि इसी पे नॉर्मल निकालना है, तो एक्स की वैल्यू टू डाल दी, ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस वन और जेड की वैल्यू टू, तो ये कितना आ जाएगा, फोर आई माइनस टू जे प्लस टू टू जो फोर के। ठीक, तो ये डेल्टा एफ वन आ गया हमारे पास, क्लियर। तो नॉर्मल फोर आई ये आ गया, ऐसे ही बेटा इसका भी निकाल लो, डेल्टा एफ टू निकालेंगे तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो टू एक्स आई प्लस टू वाई जे माइनस के आ जाएगा। तो डेल्टा एफ टू एट द पॉइंट टू माइनस वन और टू, ठीक है, इस पे निकालोगे तो ये आ जाएगा टू इंटू टू वाई प्लस टू वाई की जगह डाला माइनस वन और जेड की जगह डाल दिया बेटा टू, तो फोर आई माइनस टू जे माइनस टू के वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। तो अब इनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा ये ही मेरा एन वन लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एन टू। ठीक है, तो एंगल क्या होता है दो वेक्टर के बीच में, कॉस थीटा इक्वल टू एन वन एन टू अपॉन मॉड एन वन मॉड एन टू, यही होता है फॉर्मूला। तो एन वन एन टू का मॉड आया, एन वन एन टू का ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे अपॉन इनका नीचे मॉडुलस आ जाएगा। तो देखो फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टू टू जा फोर प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, यही आएगा मॉड इसका, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, दूसरे वाले वेक्टर का एन टू का मॉड कितना होगा, सिक्सटीन प्लस फोर प्लस वन। ठीक है, ये आ गया, इसको आपस में सॉल्व कर दो बेटा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस माइनस फोर अपॉन नीचे जो भी कुछ आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, रूट ट्वेंटी वन तो छत्तीस, तो सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा सिक्सटीन सिक्स रूट ट्वेंटी वन। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, तो थीटा लिखना हो तो कॉस इनवर्स सिक्सटीन अपॉन सिक्स रूट ट्वेंटी वन, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे निकालते हैं। सो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।